अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इसी रूम में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नए जॉब्स के बारे में। अभी अभी एक अपडेट आ रही है, लगभग 13,000 से ज़्यादा पोस्ट्स रेफ़र किए गए हैं जेके एसएसबी को, जेके पीएससी को। क्या ये न्यूज़ फेक है या रियल है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आरटीआई की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट आई है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन पास कितने जॉब्स इन जॉब्स में से हैं और रिक्रूटमेंट डेट्स क्या रहेंगे जो ये 13,000 पोस्ट रेफ़र किए गए हैं, इसके रिगार्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों तक, ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप सब लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स में न्यूज़ देखी होगी कि जेके एसएसबी को और जेके पीएससी को बहुत सारे पोस्ट रेफ़र किए गए हैं, लगभग 13,000 वैकेंसीज़ रेफ़र की गई है जिनके लिए रिक्रूटमेंट जल्दी ही आ जाएगी। हम इन पोस्ट की बात करेंगे न्यूज़ के हिसाब से, तो उसमें से 7,000 जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे और 6,000 जो वैकेंसीज़ हैं वो 10th 12th पास कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो न्यूज़ है इसमें जो प्रूफ दिया गया है वो आरटीआई का दिया गया है कि आरटीआई की तरफ से ये न्यूज़ सर्कुलेट की गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ सच भी नहीं हो सकती है। अब अगर हम देखेंगे तो फैक्ट्स के हिसाब से ये न्यूज़ सच है क्योंकि नई सरकार आई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो 13,000 वैकेंसीज़ है वो एक साथ नहीं आएंगी और ना ही वो एक डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ होंगी। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, वो भी इस न्यूज़ में मेंशन किया गया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो ये 13,000 वैकेंसीज है ये इसी साल फिल नहीं होंगी, अगले साल भी होंगी। और यहां पे पहले आपको ऑलरेडी पता है लेक्चरर पोस्ट्स आएंगे। इस न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इस न्यूज़ में सच्चाई है। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ सर्कुलेट की गई है, बहुत सारे ऑफिशियल ग्रुप्स में भी ये न्यूज़ मैंने देखी, तो ओबियसली इस पर आप बिलीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिक्रूटमेंट डेट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगभग आपको ये रिक्रूटमेंट्स अगले साल देखने को मिल जाएंगी, कुछ रिक्रूटमेंट्स पहले ही आएंगी। ज़्यादा ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो 3,000-4,000 पोस्ट पहले भी आ सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो अगले साल आएंगे, इस साल नहीं आ सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एक रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रही है जेके पुलिस की। अब अगर लेक्चरर की भी आई और जेके पीएससी की तरफ से भी रिक्रूटमेंट्स अभी चल रही है कुछ, और अगर और भी आई तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स इस साल अब नहीं होंगी, अगले साल होंगी। और जो भी रिक्रूटमेंट आएंगी उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो ये न्यूज़ हैं ये सच है, लेकिन जो पोस्ट हैं वो अगले साल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपके हेल्थ के पोस्ट भी रहेंगे, क्लास 4th के पोस्ट भी रहेंगे, होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के पोस्ट रहेंगे। तो इस न्यूज़ पे आप बिलीव कर सकते हो। बाकी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी आप वेट कीजिए, वैकेंसी जल्दी आने वाली है, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ऑलरेडी पता है कि जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जो सारी रिक्रूटमेंट्स का सिलेबस होता है वो लगभग 50% सेम होता है, तो आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हो। जल्दी आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी लेक्चरर की, उसके बाद जो बाकी पोस्ट्स हैं उनको रेफ़र कर दिया जाएगा अच्छे से और रिक्रूटमेंट जल्द ही आ जाएगी। और यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट है, कहा जा रहा है कि 10 नवंबर में वो आ सकती है, बाकी अगले साल तो कंफर्म आ जाएगी। जनवरी फरवरी में आपको रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग आप वेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट था कि ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है इसमें सच्चाई है, लगभग इतने पोस्ट यहाँ पे रेफ़र किए गए होंगे और अभी और भी पोस्ट रेफ़र होंगे। अगले साल आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी जॉब इस रिगार्डिंग, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बन चुकी है और यहाँ पे उनके मैनिफेस्टो में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ वो निकालने वाले थे, तो उसके तहत यहाँ पर जो पोस्ट अब रेफ़र होंगे और वैकेंसीज़ को निकाला जाएगा, पहले देखा जाएगा, उसके बाद रेफ़र किया जाएगा और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपका एग्ज़ाम वगैरह, एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और फिर ईजिली आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं क्योंकि सरकार ऑलरेडी बन चुकी है। और बाकी यहाँ पे आपने ट्वीट्स में भी देखा होगा कि इस साल बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पर फोकस किया है, वो भी ट्वीट में बता रहे थे कि जो लेक्चरर पोस्ट है उनके लिए जल्दी रिक्रूटमेंट आएगी, बाकी जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी प्रोसेस चल रही है। तो ऑब्वियसली हर किसी रिक्रूटमेंट को इस साल निकाला जाएगा और अगले साल से आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में यही एक अपडेट था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।